ए दीदी प्रिया कते बे तो ठीक भई नहीं बहनी बनारस गई रहलिए ठीक रहलिए घर आलिए फिर फिरो पता नहीं का हो जा दवाइयो करावे से सब जगह ढेर बहुत परेशान बाटे कि नहीं फोन कइली है त मन्नत कहला फोन लगे के बैठल बाटी हम से तबीयत खराब बा फिरो नहीं बोलत हैं ने नहीं फिर ओसा अकेले आ कंठवा जैसे रोक जाता गई रही है पर अची नथी नवीन के किना है ना फिर नहीं जी ना तो दोस्तों देखिए यहाँ आवे के रहा है ना तो गई होती है अब चलिए नहीं है दोस्तों आज हम लोग दीदी के यहाँ अपने आए हैं जो है मतलब कुछ फंक्शन था तो यही हम लोग इकट्ठा हुए हैं बताते ना हम लोग रिश्तेदार हैं एक दूसरे के तब यहीं आए हुए हैं तब दीदी से पूछ ले लें कि जो है दीदी मतलब दीदी प्रिया से मिल के अली ने बहन सुबह यहाँ कि फ़ोन से बात भेल है तो प्रिया का तबीयत फिर जो है पहले जैसे ख़राब हो गया है जैसे पहले बहुत दवा करवाए सब लोग हॉस्पिटल ले गए तब भी नहीं सही हुई अब आप लोग जो है जानते हैं बनारस भी ले गए हैं सब लोग तो बनारस भी जो है थोड़ा सही हो गई थी अब नहीं सही हुई है फिर आने के बाद वही हालत जैसे ना बोल पा रही है ना किसी को पहचान रही है तो पहले जैसे हालत हो गया है अब वो कैसे ठीक हुई है तब जाए देखा ना ठीक हुई है तो दो तीन दिन में हम आई बहुत स्वभाव था देखे देखे तो तबियत में उनके ऐसे ही मतलब पता ही नहीं चलत है कि ऐसा हो ही जाए कुछ ऐसे टुकुर टुकुर था कि चीज ही ना कब कब हाँ वो तो वीडियो में देख ले कंठवा जैसे रू नहीं उठे बोल ही नहीं पाए बोल नहीं पावे थे दोस्तों आप लोग दीदी को पहचान ही रहे होंगे कौन है विष्णु राज की मम्मी हैं और माता रानी करे जल्दी से विष्णु राज वापस आ जाएं घर पे अपने देखिए कैसी हो गई हैं हैं आप लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे लेकिन कैसी हो गई हैं पहले से बहुत ज़्यादा दुबली पतली बहुत टेंशन में आज भी इनका तबीयत खराब है देखिए साल लोड़ी हैं आज भी इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन दवा खा के आई हैं रिश्तेदारी में आना जाना पड़ता है लेकिन दवा खा के आई हैं और